न्यूज नेशन आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। और इंसाफ की लड़ाई हम लड़ रहे हैं दिशा के लिए, हम दिशा को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम खुलासे कर रहे हैं उस चश्मदीद के हवाले से जिसने एक एक कहानी, हर मिनट की कहानी न्यूज नेशन को बताई और हमने 130 करोड़ जनता के सामने वो कहानी रख दी। अब वही कहानी, वही सबूत हम रखना चाहते हैं सीबीआई के सामने। अब वही कहानी, वही सबूत, वही गवाह हम रखना चाहते हैं महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री और महाराष्ट्र सरकार की पुलिस के सामने। विकास श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, सीधे एक बार उनका रुख करते हैं। विकास श्रीवास्तव, आप और हम कल देख रहे थे कि जब हिमांशु, जिसके घर के बाहर आज आप खड़े हैं, जब वहां पर हमारी टीम पहुंची थी तो हिमांशु ने अपना दरवाजा बंद कर लिया था। आज भी क्या हिमांशु मुंह छिपाकर बैठना चाहता है? क्या वो अपने दोस्त के बारे में सच नहीं बताना चाहता? क्या वो नहीं चाहता कि दिशा को इंसाफ मिले? क्या वो नहीं चाहता कि दिशा के मामले की जांच हो? उसकी चुप्पी विद्यानाथ, उसकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है, लेकिन हमने भी अपने इरादे त्यागे नहीं है। मैं फिर से जा रहा हूँ उसी के घर। कल वो दिन भर मुंह छिपाता फिरा, आज फिर हम उसकी सोसाइटी में जा रहे हैं। सेकंड फ्लोर पर उसका घर है, उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। कल पुलिस बुला ली थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो पुलिस के आड़ में छुपना चाहता है, पुलिस उसे बचाने की कोशिश करती नजर आ रही थी। मैं फिर से उसके सोसाइटी में जा रहा हूँ, उसके दरवाजे पर दस्तक दूंगा। मैं उससे जानने की कोशिश करूंगा कि ऐसी कौन सी बात छुपा रहा है। आइए मेरे साथ आइए, ये देखिए, ये फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर उसका घर है। हिमांशु के घर हमारे सहयोगी एक बार फिर से पहुंचे हैं कि यही हिमांशु शेखर खरे का घर है, देखिए। लेकिन कल दिन भर ये मुंह छुपाता फिरा, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसे हमारी मौजूदगी यहाँ पर पसंद नहीं आ रही थी, पुलिस आ गई थी यहाँ पर, जिसके बाद पुलिस ने, ऐसा लगा जैसे हमें इससे बचाने की कोशिश की जा रही है। लगातार हम इससे सवाल पूछते रहे, हमने पुलिस से भी सवाल पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये प्रहलाद शिक्रे, विकास डोरबेल बजाइए, क्यों नहीं आवाज लगाइए, हिमांशु से पूछिए, हिमांशु से पूछिए विकास कि क्या वो अपनी दोस्त दिशा को इंसाफ नहीं दिलाना चाहता। अब पूछिए हिमांशु से कि क्या वो नहीं चाहता कि दिशा के मामले में जांच हो, वो क्यों भाग रहा है? डोरबेल बजाइए, दरवाजा खटखटाइए, बात करने की कोशिश कीजिए विकास। हिमांशु देखिए, हम आपका डोरबेल बजा रहे हैं, आपको आकर इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे कि आखिर चुप्पी के पीछे वजह क्या है, किसके दबाव में आप छुपे बैठे हैं। देखिए मैं देर डोरबेल बजा रहा हूँ, ये बज भी रही है, लेकिन ये बाहर आना नहीं चाहते। कल लगातार हमने इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन ये अपने घर में दुबके बैठे पड़े हुए हैं। इनकी चुप्पी विद्यानाथ बहुत कुछ बताती है। हिमांशु आपको मैं मौका दे रहा हूँ सच बोलने का, आइए बाहर न्यूज नेशन के कैमरे पे बताइए कि क्या बातें थी उस रात को, क्या क्या घटा। आप बहुत कुछ जानते हैं लेकिन आप बताना नहीं चाहते। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आइए सच का सामना कीजिए, सच बताइए दुनिया को। बहुत कुछ दुनिया को जानना बाकी है अभी भी, आपकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। नहीं हिमांशु दरवाजा नहीं खोल रहा है, इसका क्या मतलब है? हिमांशु क्या छुपाना चाहता है विकास? आज पूरा देश जब न्यूज नेशन देख रहा है, पूरा देश जब दिशा की न्याय के लिए लड़ रहा है, न्यूज नेशन जब दिशा के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है, इस मुहिम को चला रहा है विकास, तो फिर हिमांशु जैसा दोस्त जो उस दिन उस पार्टी में मौजूद था, वहां पर था जब ये सब कुछ हुआ, जब ये घटना घटी, जब ये कांड हुआ, हिमांशु अगर गलत नहीं है तो न्यूज नेशन हिमांशु आपसे कह रहा है कि तुम बाहर आओ हिमांशु, तुम अपनी बात रखो। और न्यूज नेशन न सिर्फ हिमांशु से बल्कि उन तमाम लोगों से जो उस वक्त उस रात दिशा की पार्टी में मौजूद थे, जो दिशा के दोस्त थे, जो पार्टी करने के लिए उसके घर गए हुए थे, वो लोग सामने आए, न्यूज नेशन पर आए, हम उनको बोलने का मौका देंगे, क्योंकि हम न्यूज नेशन चाहता है कि सच सामने आए, तमाम वो दोस्त सामने आए और बताएं देश को कि आखिर उस रात क्या हुआ था। जो चश्मदीद ने बताया है वो बातें क्यों नहीं सही है, उसकी बात को क्यों नहीं माना जाए, उसकी गवाही को क्यों नहीं माना जाए, तमाम वो दोस्त हम चैलेंज करते हैं, हम आपसे कहते हैं कि आप बाहर आइए, न्यूज नेशन के कैमरे पर आइए और बोलिए विकास, बोलिए आप हिमांशु को, पूछिए कि वो बाहर क्यों नहीं आना चाहता, उसके दिल में क्या दगा है, उसके दिल में क्या चोर है। हिमांशु तुम किससे डरे हुए हो भाई, तुम सुन रहे हो, तुम हमारी
दस्तक सुन रहे हो, तुम मुझे देख भी रहे हो, ये इस पीप होल से तुम मुझे देख रहे हो, लेकिन तुम दरवाजा नहीं खोल रहे हो। क्या वजह है? कौन सी बात छुपाने की कोशिश कर रहे हो? मैं मौका तो दे रहा हूँ उस सच को सामने लाने का। तुम्हारा डर बहुत कुछ कह रहा है। तुम जिस तरीके से डरे हुए हो, ऐसा लगता है कि तुम बहुत कुछ जानते हो, लेकिन बताना नहीं चाहते। हिमांशु डरा हुआ है, इसका मतलब यह है विकास, विकास इसका मतलब यह है, आप खड़े रहिए, आप कोशिश करते रहिए, आप ट्राई करते रहिए, लेकिन हिमांशु डरा हुआ है। और हिमांशु के डर के पीछे की वजह क्या है, यह न्यूज नेशन जानना चाहता है, यह देश जानना चाहता है, हम जानना चाहते हैं। और हिमांशु, तुम न्यूज नेशन देख रहे होगे, हमें पता है तुम कल से न्यूज नेशन देख रहे हो, आज भी तुम न्यूज नेशन देख रहे होगे, और हम कह रहे हैं दरवाजा खोलो, बाहर आओ, अपनी बात बताओ। उस रात घटना क्या घटी थी वो देश को बताओ, सच्चाई देश को बताओ, अपने दोस्त को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में शामिल हो जाओ। अगर तुम गुनहगार नहीं हो, अगर तुम्हारे ऊपर इल्जाम नहीं है, अगर तुम पाक साफ हो, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। विकास, आप कोशिश करते रहिए, क्योंकि हिमांशु तो दरवाजा खोलना नहीं चाहता। मैं अपने सहयोगी सबीना के पास चलता हूं, क्योंकि अब तक जो बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, जो बातें सामने आई है चश्मदीद के हवाले से, जो हमने देश के सामने रखा है, वो एक बार फिर से देश को दिखाना बहुत जरूरी है। सबीना, दिखाइए क्या बातें, क्या खुलासे अभी तक जो हमने देश को दिखाया है कल से लेकर अब तक। बिल्कुल विद्या, देखिए हिमांशु बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूज नेशन अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभाते हुए सभी जानकारी के साथ ये पूरी अपडेट रख रहा है। और आप ये भी देखिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में से अगर न्यूज नेशन को चश्मदीद के जरिए चुना गया है, तो देखिए कितनी बड़ी बात यहां पर है। चश्मदीद ने रेप एंड मर्डर के राज बताए हैं कि उस रात क्या हुआ था, बलात्कार हुआ था, मर्डर किया गया था, दिशा सालियान के साथ गैंग रेप हुआ था, एक के बाद एक चार लोगों ने दिशा सालियान की अस्मत को तार तार कर दिया था। 8 जून की रात पार्टी में चार लोगों ने रेप किया था, उन चारों के बारे में पूरी जानकारी भी हमारे पास है। दिशा के कमरे में चार लोग आ जा रहे थे, यह चश्मदीद का बड़ा खुलासा था, जिसमें से एक खुलासा यह भी रहा कि एक मंत्री का सिक्योरिटी गार्ड था जिसे वो पहचान सकता है। चार में से दूसरा बॉलीवुड स्टार का बेटा, यानी कि बॉलीवुड के अभिनेता का बेटा है। दिशा का मंगेतर जुर्म के वक्त मेरे साथ कमरे में था, इस बात का खुलासा भी चश्मदीद के जरिए किया गया, और उसने इसके लिए न्यूज नेशन को चुना। मैंने बेड पर दिशा की लाश देखी थी, डेड बॉडी देखी थी, ये भी उसने कहा। दिशा की बॉडी पर सफेद कंबल था, चश्मदीद का ये खुलासा भी सामने आया, और साथ ही दिशा के शरीर पर कपड़े नहीं थे जितना वो देख पाया। सोचिए मुंबई पुलिस की पूरी थ्योरी, मुंबई पुलिस की पूरी जांच किस तरह से अब कटघरे में सामने आ जाती है। और दिशा को 14वीं मंजिल से फेंका गया था, झूला झूला कर उसे फेंका गया था, ये यहां पर उसने खुलासा किया। उन लोगों ने मुझे डराकर भगा दिया गया मुझे, ये उसके जरिए कहा गया। और साथ ही दिशा को चार लोगों ने फेंका, चश्मदीद का ये बड़ा खुलासा सामने आया। और चश्मदीद ने ये भी कहा कि मैं सीबीआई के सामने आना चाहता हूं, अपनी पूरी बात रखना चाहता हूं। और न्यूज नेशन भी एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस इंसाफ की मुहिम में लगातार आगे बढ़ेगा, चाहे जितनी भी कोशिश कर ली जाए हमें रोकने की। एक बार फिर से विद्या आपकी तरफ। हम नहीं रुकेंगे सबीना, हम रुकने वाले नहीं है, और हम ठहरने वाले नहीं है, हम थकने वाले नहीं है, क्योंकि हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस इंसाफ की लड़ाई में पूरा देश हमारे साथ है, क्योंकि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। हम एक लड़की को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी मौत हुई या उसकी हत्या हो गई, ये हम देश को बताना चाहते हैं, इस सच का उजागर करना चाहते हैं, सच को देश के सामने लाना चाहते हैं। मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ विकास मौजूद हैं, जो हिमांशु के घर के बाहर ठीक गेट पर मौजूद हैं, हमारे साथ शैलेंद्र मौजूद हैं, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री के घर के बाहर मौजूद हैं। हमने कहा कि गृह मंत्री साहब खोलिए दरवाजा, लीजिए सबूत, कीजिए जांच और बताइए कि सच क्या है, लेकिन गृह मंत्री अमित देशमुख, महाराष्ट्र के गृह मंत्री, ना तो दरवाजा खोल रहे हैं, ना किसी आदमी को भेज रहे हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह मौजूद हैं, उनको मैंने चैलेंज किया कि आप फोन कीजिए अपने नेता को, अपने मंत्री को फोन कीजिए और कहिए कि न्यूज नेशन सबूत दे रहा है, तुम जांच करो, लेकिन ये हो नहीं रहा है। मैं लौट कर आऊंगा आपके पास विकास, एक बार फिर से कोशिश कीजिए, आपके पास भी आऊंगा शैलेंद्र, लेकिन एक बार जरा वेदभूषण साहब के पास चल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे मामलों की जांच उन्होंने की है, बड़े अधिकारी रहे दिल्ली पुलिस में। वेदभूषण साहब बताइए, अगर इतने सारे सबूत हैं, इतने सारे इफ एंड बट हैं, तो जांच क्यों नहीं, और क्या जिस तरीके से तमाम सबूतों को दरकिनार कर दिया गया, केस को बंद कर दिया गया, यह एक जांच एजेंसी करती है, क्या यह पुलिस का काम है? विद्यानाथ जी, इस केस में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा डिटेल्ड ऑर्डर है। इस मामले से जितने भी जुड़े हुए जानकारियां हैं, इन्वेस्टिगेशन है, जो पक्ष हैं, उनकी तमाम की जानकारी सीबीआई करेगी। नहीं सर, मैं आपको करेक्ट कर देता हूं,
एक सेकंड मैं भूषण जी, मैं आपको करेक्ट कर देता हूं, आप सुनिए, आप उस आदेश को पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुशांत मामले से जुड़े हुए, सुशांत मामले से लिंक्ड जितने भी मामले हैं, उस मामले की तफ्तीश, उस मामले को सुन लीजिए सर, उस मामले को सीबीआई देखे। लेकिन स्वतंत्र तौर पर आखिर दिशा मामले की जांच क्यों नहीं हो सकती है? मुंबई पुलिस क्यों नहीं जांच कर सकती है? महाराष्ट्र की सरकार क्यों नहीं सीबीआई को कहेगी कि जांच करो भाई? बिल्कुल हो सकती है विद्यानाथ जी, आपने पूरी बात सुनी नहीं, उससे पहले आपने नतीजे पे पहुंच गए। मुझे आप अपनी पूरी बात कहने का मौका तो दीजिए। बोलिए सर, वही बात कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं, जिस बात को आप कह रहे हैं। एक सच्चे पुलिस अधिकारी की तरह बोलिएगा सर, एक सच्चे पुलिस अधिकारी की तरह बोलिएगा। आप सच्चे पुलिस अधिकारी रहे, एक सच्चे पुलिस अधिकारी की तरह बोलिएगा। एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए बोलिएगा, एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए बोलिएगा, पुलिस को बचाने के लिए मत बोलिएगा। मैं कोई राजनेता नहीं हूं विद्यानंद जी। सर, पुलिस को बचाने के लिए मत बोलिएगा, पुलिस की वकालत मत कीजिएगा, क्योंकि पुलिस में रहे थे सर। मुंबई पुलिस का आदमी हूं मैं, हाँ मैं रिटायर्ड अधिकारी हूं, मैं पुलिस की बात करूंगा, क्योंकि सीबीआई में पुलिस ऑफिसर्स हैं और मुंबई पुलिस और दिल्ली में पुलिस ऑफिसर्स हैं। मैं कोई राजनेता हूं नहीं, ना राजनेता की बात सर, लेकिन वकालत मत कीजिएगा पुलिस की, क्योंकि पुलिस ने जो किया है उससे पुलिस से लोगों का भरोसा उठ जाएगा सर। मुंबई पुलिस ने जो किया है उससे भरोसा उठ रहा है लोगों का, उससे भरोसा उठ रहा है सर, उससे भरोसा उठ रहा है। हमारे साथ संजीव देसवाल जी हैं। संजीव देसवाल जी, इतने सारे सबूत हैं, इतने सारे सवाल हैं, कहां हैं वो 10 लोग 12 लोग कहां हैं जो उस रात पार्टी में मौजूद थे? क्यों मुझे बातें कर रहे हैं वो तमाम दोस्त? सुनने का धैर्य रखिए। नहीं दिशा के वो दोस्त क्यों मुझे बातें कर रहे हैं? क्यों बातें कर रहे हैं? इधर उधर की बातें मैं नहीं जानता। आपकी थ्योरी क्या कहती है? संजीव देसवाल जी, आपकी थ्योरी क्या कहती है? सर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। वेदभूषण जी, संजीव जी आपकी थ्योरी क्या कहती है इस पूरे मामले में? आप पूरी बात कहने नहीं देते, आप उधर से उधर जंप कर जाते हो। हेलो, मैं आऊंगा सर आपके पास, फिर से आऊंगा। एक बार संजीव जी से बात सुन लेते। पूरी हो गई जनाब, हमें बोलने तो दीजिए। संजीव जी बोलिए। कोई दो राय नहीं है कि ये जो दो मैटर हैं, दिशा सालियान और सुशांत राजपूत, ये दो डेथ मिस्ट्री के अंदर बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स हैं। अब वो कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? पुलिस वहां पे क्यों गलतियां करती है, क्यों इलॉजिकल प्रैक्टिस करती है, क्यों दूसरा सिक्का पहलू नहीं देखती है? देखिए, सुशांत राजपूत, दिशा सालियान ने कभी किसी प्लेटफॉर्म पर ऐसा महसूस कभी किसी को नहीं कराया कि वो सुसाइड करना चाहते हैं या वो सुसाइड के बारे में सोचते हैं। चाहे वो कोई भी स्टेटमेंट देख लीजिए, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनका कहते हैं कोई वीडियो देख लीजिए, हमेशा वो खुश, फ्यूचर प्लानिंग्स ये सब करते हुए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपको पता है टीवी पर वक्त कम होता है संजीव जी, मैं माफी के साथ कह रहा हूँ, मेरे सवाल का सीधे सीधे जवाब दीजिए। अगर इतने सारे सबूत मौजूद हैं, दोस्त भाग रहे हैं, मुंह छिपा रहे हैं, सामने नहीं आना चाहते, तो इसमें आपकी थ्योरी क्या कहती है? आप डिटेक्टर हैं, आपकी थ्योरी क्या कहती है सर? जल्दी से जवाब दीजिए सर, प्लीज। मेरी थ्योरी तो सिंपल सी ये कहती है विद्यानाथ जी, मेरी थ्योरी तो साफ ये कहती है कि पुलिस जाती है सुशांत राजपूत के यहाँ पे, वहाँ पे उसको लटका हुआ देखती है और ये नहीं समझ पाती कि वहाँ पे कुर्सी नहीं है, टेबल नहीं है, उसके बाद उसको सुसाइड मान लेती है। मेरी थ्योरी तो ये कहती है कि दिशा सालियान एक 14 मंजिल की बिल्डिंग से गिर जाती है, बिल्डिंग अगर ऐसे है और बॉडी की पोजिशन यहाँ पे पहुँचती है, 10 फुट दूर पहुँचती है रैंप के ऊपर, और उसको वो सुसाइड मान लेती है सिर्फ इतनी सी बात पे कि जो वहां पे लोग हैं, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उस स्टेटमेंट के भ्याप पे आप उसको सुसाइड मान लेते हैं। विक्रम सिंह, विक्रम सिंह सुन रहे हैं आप? विक्रम सिंह सुन रहे हैं आप? मुंबई पुलिस सुन रही है? महाराष्ट्र के गृह मंत्री अमित देशमुख सुन रहे हैं? जिनके गेट के बाहर मेरे सहयोगी खड़े हैं, क्या वो सुन रहे हैं? हम सुनाना चाहते हैं आपको, हम दिखाना चाहते हैं आपको, वो सबूत दिखाना चाहते हैं जो चश्मदीद हमारे पास लेकर आया, उसका दावा है कि वो गवाह है उस रात पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका, वेदभूषण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन इंसाफ की ये लड़ाई नहीं रुक रही है। मैं आपको बता दूं कि न्यूज नेशन इंसाफ की इस लड़ाई को तब तक लड़ेगा जब तक दिशा को न्याय नहीं मिल जाता है, और इसके लिए लगातार हम मुहिम चला रहे हैं। आज दिन भर हम आपको दिखाएंगे सबूत, हम आपको बताएंगे कि क्या इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार और सीबीआई, जिसे हम सबूत सौंपना चाहते हैं, क्या वो तैयार है सबूत लेने के लिए, क्या वो तैयार है इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्या जांच से सच निकल कर सामने आएगा। तो इंसाफ की वो लड़ाई
जो हम लड़ रहे हैं दिशा सान्याल के लिए, और इस लड़ाई में पूरा देश हमारे साथ खड़ा है, क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं, हम सही करने जा रहे हैं। 130 करोड़ जनता देश की हमें कल से देख रही है, हमें सुन रही है, उन सबूतों को देख रही है, उस चश्मदीद को 130 करोड़ भारत की जनता देखना और सुनना चाहती है, सच सुनना चाहती है देश की जनता, और सच हम सामने लाकर रहेंगे। दिशा के लिए न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमारे साथ रेखा अग्रवाल हैं, वरिष्ठ वकील हैं, लेकिन हमारे साथ विकास, हमारे सहयोगी, जो कि हिमांशु के गेट के ठीक बाहर मौजूद हैं। मैं एक बार विकास आपके पास आना चाहता हूं, क्या हिमांशु सुन रहा है? कान में रुई रखकर वो लेट गया है, वो देखना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, सच बताना नहीं चाहता, क्या चाहता है वो? विकास, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? विकास के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, क्योंकि वहां दिक्कत है, नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत है जहां पर विकास खड़े हैं। लेकिन विकास, मैं आपके पास फिर लौट कर आऊंगा, क्योंकि हिमांशु को सच बताना ही होगा, हिमांशु को बाहर निकलना ही होगा, हिमांशु को अपना दरवाजा खोलना ही होगा। शैलेंद्र, आपके पास कोई जवाब आया? कोई व्यक्ति आया अंदर से गृह मंत्री के यहां से मैसेज लेकर कि साहब दीजिए सबूत, हम जांच करेंगे? मिला कोई ऐसा व्यक्ति आपसे? क्या गृह मंत्री तैयार है मिलने के लिए? देखिए अब तक किसी तरह का कोई मैसेज नहीं आया है। हम यहाँ पर अभी भी मौजूद है और मंत्री जी अपने काफिले के साथ यहाँ से निकल चुके हैं। हमने कोशिश की, लेकिन यहाँ पर चूंकि पुलिस बंदोबस्त ज़्यादा थी, इसलिए हम उनसे बात नहीं कर सके। लेकिन जाहिर तौर पर गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके पीए को ये चीज़ पता थी कि न्यूज़ स्टेशन की टीम यहाँ पर मौजूद है। बाकायदा उनके पीए का कन्फर्मेशन मैसेज भी आया था कि उन्हें मैसेज मिल गया है। बावजूद इसके किसी भी तरह की कोई जहमत नहीं उठाई गई न्यूज़ स्टेशन की टीम के साथ बात करने की। न्यूज़ स्टेशन के डर गए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री डर गए, शैलेंद्र डर गए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री इन सबूतों से डर गए, चश्मदीद से डर गए, और जो गवाह होने का दावा करता है उससे डर गए, न्यूज नेशन की इस मुहिम से डर रहे हैं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री विक्रम सिंह डर गए। आप लोग डर रहे हैं, आप लोग भाग रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये वो सबूत है जिससे सच खुल जाएगा, जिससे जांच की दिशा बदल जाएगी, जिससे पर्दा उठ जाएगा और बड़े बड़े लोग बेनकाब हो जाएंगे। विक्रम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? विक्रम सिंह, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हो आप? हाँ, सुन पा रहा हूं। बोलिए। बोलती क्यों बंद हो गई? बोलिए। विजयनंद जी, मैं कह रहा हूं कि आप सीबीआई को क्यों नहीं देते प्रूफ? अगर आपके पास, अरे ये तो आपका काम है, ये आपका काम है विक्रम सिंह, आप सिफारिश कीजिए, आपकी सरकार सिफारिश करे सीबीआई को, ये तो आपका काम है, लेकिन सबूत हम देंगे, न्यूज नेशन वो सबूत सीबीआई तक पहुंचाएगा, हम सबूत लेकर जाएंगे सीबीआई के पास, लेकिन आप बताइए आप क्या कर रहे हैं? विक्रम सिंह डर गए हैं, डर गए विक्रम सिंह, आपके मंत्री भाग गए, हमारे रिपोर्टर को देखकर भाग गए, आपके मंत्री भाग गए, आप डर गए हैं, डरे हुए हैं विक्रम सिंह, सबूतों से डरे हुए हैं, गवाह से डरे हुए हैं, विक्रम सिंह डरे हुए हैं, शिवसेना के नेता विक्रम सिंह डरे हुए हैं, ये डर गए हैं, सबूत से डर लग रहा है, निर्देशन से डर लग रहा है, हमारे रिपोर्टर से डर लग रहा है, विकास हिमांशु को भी डर लग रहा है क्या? क्या वो भी गुनाह में शामिल था? क्या हिमांशु भी गुनाह में शामिल था? डर गए हैं विक्रम सिंह, आप डर गए हैं, डरे हुए हैं, नहीं तो बुलाइए, बुलाइए हमारे रिपोर्टर को, डरे हुए हैं आप, डरे हुए हैं विक्रम सिंह, आप डरे हुए हैं, आपके मंत्री डरे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे, विकास आपके पास लौटूंगा, क्या हिमांशु भी डरा हुआ है? ये मुहिम हमारी, ये जो न्याय दिलाने की हमारी मुहिम है दिशा को, ये जारी है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम कोई थ्योरी नहीं गढ़ रहे हैं, हम कोई कहानी नहीं बना रहे हैं, हम तो सबूत के आधार पर आपको तमाम बातें और तमाम खबरें दिखा रहे हैं जो चश्मदीद ने हमें बताई है, जो चश्मदीद ने हमें कहा है। अगर है किसी में दम तो आए सामने और खारिज कर दे उस गवाह की बातों को, उन सबूतों को।